यार अभी YouTube पे पूरा चल क्या रहा है, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, मतलब लोग अभी साबित कर रहे हैं कौन सही कौन गलत, रियल या फेक, हमें तो पता ही नहीं है। मतलब अब ये लोग डिसाइड करेंगे तभी क्लियर होगा। वो कहते हैं ना कि समय हमेशा बराबर नहीं रहता, जिन मैटर को ये लोग खुद डिसाइड करके क्लियर कर देते हैं, आज इन्हीं के मैटर को लोग डिसाइड करके क्लियर कर रहे हैं। लोग प्रूफ कर रहे हैं भैया कौन गलत है, कौन सही है, रियल है या फिर फेक है, आखिर इन दोनों में से गलती किसकी है यार। मतलब हमें तो पता ही नहीं है कौन रियल होगा और कौन फेक होगा, मतलब आप भी नहीं जानते यार। सिंपल है ना, संदीप सर गलत और विवेक बिंद्रा सही, मतलब नोटी हो रहा के बहन के। अरे यार इसका जस्ट उल्टा कर दो, और रही बात संदीप सर को गलत बोलने की, पूरी देंगे साला। इन सब चीजों को देखने के बाद पूरी की पूरी कम्युनिटी विवेक बिंद्रा को ठोकने में लगी है। मेरा 40,000, मेरा 35,000, मतलब MLA वालों को इतनी गालियां पड़ रही है कि वो लोग गिन ही नहीं पा रहे हैं। और जितने लोगों के पैसे डूबे हैं वो विवेक बिंद्रा के इतने खिलाफ चल रहे हैं, और विवेक बिंद्रा भाई साहब कुछ लोग फ्रेंचाइजी बेच के निकल जा रहे हैं तो कुछ लोग कोर्स। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर कोई भी MLM का आदमी कोट पैंट में मुस्कुराते हुए मिल गया तो तुरंत समझ जाना कि हमारे देश में अभी भी कुछ चूतिया रह गए हैं इनका कोर्स खरीदने के लिए। जितने पैसे में आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, कुछ लोग उतने पैसे बिजनेस को सीखने में लगा दे रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग उस बिजनेस से पैसे ही कमाएंगे या फिर कुछ और। और दौर भाई ये स्कैम मेरे भी साथ हो चुका है, पूरे के पूरे 600 रुपए के। और जिस बंदे ने मेरे साथ ये स्कैम किया था वो साला आज भी मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखता है। और संदीप सर की ये वीडियो देखने के बाद मुझे खुद की बेवकूफी से ज्यादा उन लोगों के बेवकूफी पे हंसी आ रही है। मेरे तो 600 और तुम्हारे 50,000 दिए थे सर मैंने। तुम्हारे मैंने दिए थे 35,000। देखो मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि इनके पैसे डूब गए, बल्कि इसलिए हंस रहा हूँ कि इन्होंने अपने पैसे डुबा दिए। और अब विवेक बिंद्रा सर को अपने चैनल पर पहले से ज्यादा कंसिस्टेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि कोर्स तो बिकेंगे नहीं। जो मोटिवेशन ये हमें देते हैं कोर्स लेने के पहले, यू कैन डू इट, अब ये मोटिवेशन ये लोग खुद पे यूज करें कोर्स बेचने के लिए, आई कैन डू इट। एक पल सोच के चलो कि विवेक बिंद्रा को ये बात नहीं मालूम। अब इसमें दोष किसका है, क्या बिंद्रा जी का? नहीं, मुझे नहीं लगता। कारण क्या है कि उन लोगों को बिंद्रा जी ने नहीं बेचा है, बिंद्रा जी मतलब विवेक बिंद्रा जी ने नहीं बेचा है, उनके IBCs जो एफिलिएट पार्टनर्स थे उन लोगों ने बेचा है। शायद हो सकता है बिंद्रा जी को इसकी भनक भी ना लगी हो कि इस पीठ पीछे ये सब चल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को बेचा जा रहा है जिनकी जरूरत नहीं। और अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ये सब जो हुआ वो विवेक बिंद्रा के गैर जानकारी में हुआ। बिंद्रा जी इतने ज्ञानी होते हुए भी इतने चूतिए एम्प्लॉय रखे हैं कि ये लोग बिंद्रा जी को बिना कुछ बताए खुद ही मैटर सॉल्व करने लगे। हाँ हो सकता है बेचारे प्रमोशन के लालच में कर दिए होंगे और क्या। और उधर संदीप सर वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं, एक्सपोज पर एक्सपोज किए जा रहे हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग को, पूरे बिंद्रा जी की टीम वालों को। और उधर विवेक बिंद्रा जी की टीम वाले और विवेक बिंद्रा सर ये सोच रहे हैं महेश्वरी जी का चैनल हैक कैसे करें। अरे मेरा कद्दू।